नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। अशोका गार्डन इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। एक किराए के मकान से पुलिस ने 7 युवती और एक युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मकान कई दिनों से देह व्यापार किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने 3 टीमों से मदद से छापा मारा और यह कार्रवाई की है। खास बात यह है कि इस गोरख धंधे को पकड़ने के लिए राजधानी के 3 थानों की पुलिस ने एक साथ दबिश दी। थाना प्रभारी सुरेश श्रीवास्तव के अनुसार मकान नंबर 73 मयूर विहार कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर शाहीन खान संदिग्ध गतिविधियां संचालित कर रही थी। हर रविवार को यहां अंजुमन के नाम पर लोग जमा होते थे। शाहीन के कमरे में दबिश देने पर शाहीन सहित 7 महिलाएं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक का नाम ताजवर खान है, वहीं सभी महिलाएं भोपाल की ही रहने वाली हैं। शाहीन हर रविवार को अपने बंधे हुए ग्राहकों को फोन करके बुलाती थी। महिलाओं को लाइन से खड़ा कर ग्राहकों को पसंद कराया जाता, जिसके लिए वो 500 रुपये से 1000 रुपये तक लेती थी। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।